तो गाइस जिस चीज का था बेसब्री से इंतजार वो चीज हमारे पास आ चुकी है, बहुत ही तगड़ा मॉडल और रेट 5G फोन इतने सस्ते रेट में मिल रहा है आपको। मैं सारे फीचर्स बताता हूँ, आप देखिए आप बताइए। तो गाइस आपको बाकी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास सारे वेरिएंट्स 4G 5G सारे कलर सब कुछ अवेलेबल खत्म। हाँ तो सारे कलर्स सारे वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो फटाफट अपन ओपन कर देते हैं, आपको सारे कलर्स दिखा देते हैं। इसमें दो मॉडल आते हैं, 4G आता है 5G आता है, सब दिखा देते हैं आपको। 4G वाले में अपने को दो वेरिएंट मिलता है 4128 6128, 5G में अपने को तीन वेरिएंट मिलेंगे इसमें अपने को 4128 6128 और 8250। इतना सस्ता है। मैं प्राइस आपको बताता हूँ, वीडियो आप पूरी देखिए, बहुत ही सस्ता मॉडल है आज तक इतना सस्ता। 8GB रैम 256GB इंटरनल किसी भी कंपनी में कोई भी मॉडल लॉन्च नहीं हुआ। फटाफट अपन कर लेते हैं इनको अनबॉक्स। जैसे कि डिजाइन की बात अपन कर ही रहे थे, तो नीचे की ओर अपने को मिलता है इसमें टाइप सी पोर्ट, एक माइक होल, एक स्पीकर होल मिलता है। राइट साइड में गाइस मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, साइड में फिंगरप्रिंट है, वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में अपने को मिलता है सिम ट्रे, ऊपर की ओर मिलता है अपने को IR ब्लास्टर, तो रिमोट वगैरह AC आप बिल्कुल कंट्रोल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मिलता है 3.5mm जैक, 6.79 इंच का डिस्प्ले है, IPS LCD स्क्रीन है, 515 निट्स की ब्राइटनेस है इसमें, पीक ब्राइटनेस दी है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, मतलब इस प्राइस रेंज में अपन डिस्प्ले को कुछ भी नहीं बोल सकते, बहुत ही शानदार डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको स्टार्ट में, बैक में भी इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है और साइड की जो रिम है वो प्लास्टिक की रिम है, प्लास्टिक का फ्रेम दिया हुआ है इस पे। हालांकि इस प्राइस रेंज में अपन कुछ भी इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इतना सस्ता है फोन। मैं आपको रेट बताऊंगा इसका वीडियो का आखिर में, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि बहुत शानदार रेंज में प्रोडक्ट निकाल के दिया है कंपनी ने। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, 4 Zen 2 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है, प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है कंपनी ने। इनबॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ आपको मिलता है, MIUI 14 के साथ आपको ये मिलेगा, तो प्रोसेसिंग वगैरह में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, गेमिंग वगैरह में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ़ोन, मतलब डिस्प्ले वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो गाइस अब बात होगी इसके कैमरे की, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। हालांकि ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है वो, कंपनी वालों ने थोड़ा भूतिया बनाया तुमको, डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है इसमें। कैमरा वगैरह भी हमने टेस्ट किया हुआ है, इसका सैंपल आपके साथ शेयर करते हैं, आप देखिए फोटोज कैसी लगती है आपको। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है आपका, इसमें 1080x30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, 4K का सपोर्ट इसमें आपको नहीं दिया हुआ है। अच्छा इस प्राइस रेंज में अपन बोलते भी नहीं है। तो गाइस करते हैं इसकी बैटरी की बात, 5000mAh की बैटरी दी है, 22.5W का चार्जर दिया हुआ इनबॉक्स पे, 18W फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, तो आपको 5000mAh की बैटरी है,
तो डेढ़ दिन एक दिन का बैकअप आपको मिल जाएगा, वो आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस एक नया फीचर इसमें ऐड किया हुआ है, हालांकि फीचर मुझे भी काफी अच्छा लगा है। फोटो खींचने के लिए अब आपको सिर्फ सेल्फी लेना है तो अपन बोलेंगे चीज, सेल्फी आपके सामने है। तो गाइस फोन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इस प्राइस रेंज में मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि ये फोन आप परचेस कर सकते हैं। तो गाइस करते हैं इसके प्राइस की बात। 4GB 128GB वाले वेरिएंट अपना एकदम पानी के रेट में है, 12,000 रुपए की रेंज में 5G प्रोडक्ट 128GB। इसमें 6 128GB वाला वेरिएंट जो आएगा अपने को वो आएगा 13,500 रुपए की रेंज में, और 8GB 256GB आप गैस कीजिए इतना सस्ता 15,500 रुपए की रेंज में ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। मतलब इससे सस्ता फोन क्या ही मिलेगा अपने को इस रेंज में। तो गाइस आप कमेंट करके बताइए ये फोन आपको कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।